press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. होली के मौके पर गुब्बारों में सीमन भरकर लड़कियों को मारने की घटना ने राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। इस घटना को लेकर गुरुवार को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर भारी संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में छात्राओं के साथ साथ कई कॉलेजों के टीचर भी शामिल थे। डीयू से जुड़े जीसस एंड मैरी कॉलेज की छात्राओं ने इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर बैनर लिए इन लड़कियों की मांग है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच करे और आरोपियों को सजा दे। ऐसे ही एक और घटना दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में घटी है, जब डीयू की एक छात्रा पर बस में सफर करने के दौरान सीमन से भरे गुब्बारे फेंके गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दो दिनों में लड़कियों पर सीमन से भरे गुब्बारे फेंकने के दो मामले सामने आ चुके हैं। अमर कॉलोनी जैसे पौश इलाके में ऐसी घटना सामने आई, जहां लेडी श्रीराम कॉलेज की एक लड़की पर मनचलों ने सीमन से भरा गुब्बारा दे मारा। नॉर्थ ईस्ट की इस पीड़िता ने इस घटना को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसके बाद इसी इलाके में ही बस में सफर करने के दौरान डीयू की एक और छात्रा पर सीमन से भरे गुब्बारे फेंके गए। हैरानी की बात यह है कि दूसरे मामले में छात्राओं पर यह गुब्बारा एक लड़की ने फेंका था। लड़की के परिवार वालों ने छात्राओं से लिखित तौर पर माफी मांगी है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के बाद हरकत में आई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।